दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त निज़ाम। ट्रेड फॉर प्रॉफिट यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। BTC के प्राइस की बात करेंगे, यानी कि बिटकॉइन के प्राइस की बात करेंगे। 1 आवर का चार्ट है यहां पर। क्या हो सकता है? प्राइस लगातार काफ़ी दिनों से थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंट करता है, डाउनसाइड मूवमेंट ज़्यादा करता है। कैसे करता है? यहाँ पर आप देख सकते हो कि प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट किया लेकिन डाउनसाइड मूवमेंट ज़्यादा किया। प्राइस ने अपसाइड मूवमेंट किया लेकिन डाउनसाइड मूवमेंट अच्छा खासा कर चुका है। अगर हम चार्ट को पीछे से भी देखते हैं और काफ़ी इसको श्रिंक करके देखते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे एक बड़ा डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से मतलब इस टॉप से अगर हम देखेंगे तो प्राइस अच्छा खासा नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया, अच्छा खासा नीचे गिरा। अब क्या हो सकता है प्राइस में, इस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर जो मैं वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि कल के दिन मैंने बड़ा यूनिक सा वीडियो अपलोड किया था और काफ़ी लोगों को पसंद आया, आप भी जाकर देखना उस वीडियो को, तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। उस वीडियो का टाइटल है बिटकॉइन का राज, क्रिप्टो मार्केट पर्दाफाश, और कुछ चीज़ें ऐसी बताई हैं वहाँ पर कि आपको समझ में आएगी कि कब इन्वेस्टमेंट करना है और कब नहीं करना है। तो फिलहाल यहाँ पर हम बात करेंगे BTC के 1 आवर के चार्ट की बात करेंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं तो BTC का प्राइस लगातार पिछले हाई से जितने भी हाई लगा रहा है कम लगातार चला आ रहा है। तो अभी देखो यहाँ पर बॉटम लाइन पर एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं देखूंगा इसको ध्यान से और आपको दिखाना चाहूंगा तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पर अगर हम 3 हाईस को पकड़ते हैं, ये हाई को, ये हाई को और ये हाई को, और इस तरीके के ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 3 लो पकड़ते हैं यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, और इसको हम इस तरह से एक लाइन के माध्यम से कनेक्ट कर देते हैं। तो हम देखेंगे कि प्राइस एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। यहाँ पर प्राइस को अगर आप देखोगे तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहा है। अगर हम देखेंगे तो प्राइस इसके अंदर मूव कर रहा है 1 आवर के चार्ट पर। अब यहाँ पर देखो किस तरह का रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पर मैं लेवल्स लगा दे रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा क्योंकि बस जो अपडेट है क्या लेवल्स होंगे, ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, नीचे जाएंगे तो कितना जाएंगे, इस पर ही बात होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मैंने यहाँ पर लेवल्स लगा दिए हैं और यहाँ पर चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि लेवल्स आपको समझ में आए। देखो ये ट्रेंड लाइन है जो हाइस को कनेक्ट कर रही है, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइन को जो पर्पल कलर की एक लाइन है यहाँ पर आप देख सकते हो कि लोस कनेक्ट हो रहे हैं और उसके बीच के लेवल हैं यहाँ पर 1, 2, 3, ठीक है। तो 3 लेवल का यहाँ पर लिखा हुआ है। मतलब अगर यहाँ से देखो एक अभी बिटकॉइन का प्राइस जहाँ पर है, यहाँ पर अगर हम गौर से देखेंगे तो बिटकॉइन का प्राइस अभी ये वाइट कलर के रेजिस्टेंस एरिया को टेस्ट कर रहा है, यानी 38,107। इसको ब्रेक करता है तो थोड़ी सी एक मामूली सी अपसाइड मूवमेंट हो सकता है 38,360, और इसको भी अगर ब्रेक करता है येलो कलर की लाइन को तो ग्रीन जोन में हम जा सकते हैं, ग्रीन कलर के रेजिस्टेंस एरिया पर जा सकते हैं जिसका लेवल है यहाँ पर आप देख सकते हो 38,553। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर जब हम ग्रीन लाइन तक आएंगे तो ये ट्रेंड लाइन के रेजिस्टेंस एरिया तक भी आ सकते हैं। तो मे बी इस तरह से बिटकॉइन का प्राइस जाकर गिरावट कर सकता है। तो गिरावट करेगा तो फिर यही जो ऊपर के लेवल हैं यही आपके सपोर्ट बनते चले आएंगे और मेजर सपोर्ट बनेगा ये 37,500। अब यहाँ पर एक चीज़ समझो कि अगर मान लो ये चीज़ तो ऊपर, अगर जिस तरीके से ये जो पैटर्न यहाँ पर डिसेंडिंग ट्रायंगल है इसके अंदर प्राइस चल रहा है तो इसको अगर इस तरह से रिएक्ट करता है तो ये चीज़ें होंगी। अदरवाइज अगर ये पर्पल कलर का लेवल नीचे ब्रेक हो जाता है तो हम नीचे जा सकते हैं। कितना नीचे जाएंगे ये भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ जल्दी से आपको, हालाँकि मैंने नीचे के लेवल अभी यहाँ पर उतने अच्छे से नहीं निकाले तो मैं यहाँ पर 4 आवर्स के चार्ट पर आपको लेवल्स निकाल कर दे देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों जो नीचे एक लेवल निकल कर आ रहे हैं यहाँ पर फिर से समझ लीजिए, जैसे कि ये जो एक आपको एक लाइन दिख रही है जो कि एक सपोर्ट लाइन है जहाँ पर प्राइस इक्वल रेंज में सपोर्ट ले रहा है, और यहाँ पर अगर हाइस की बात करते हैं तो ऊपर से जितने भी हाइस बन रहे हैं पिछले हाइस से कम है, तो इस तरीके की सिचुएशन को बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। अगर इसका ब्रेकडाउन नीचे के साइड हो जाता है तो हमें नीचे के भी लेवल देखने को यहाँ पर मिल सकते हैं जो कि होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो देखो ये एक लेवल यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि अगर ये 37,500 का लेवल ब्रेक होता है तो हम 36,200 तक जा सकते हैं, उसके बाद का लेवल होगा 34,766। तो ये चीज़ें देखो यहाँ पर ये जो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे 1 आवर का चार्ट में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मतलब अगर इस तरह से मार्केट गिरती है तो इस तरह से ही ऊपर नीचे करती हुई आएगी। और यहाँ पर अगर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर ये चैनल को जो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल ऊपर से आ रहा है
अगर ये इसको ही रिएक्ट करता है तो इस तरह से मूवमेंट करने की कोशिश करेगा जो मैंने वीडियो के शुरुआती पार्ट में बताया। तो यहाँ पर उम्मीद करूँगा कि ये ऊपर नीचे के जो भी लेवल्स हैं यहाँ पर आपके लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट का बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। बाकी आज के दिन क्या होना है बिटकॉइन के प्राइस में वो यहाँ पर मैंने समझाने की आपको कोशिश की है। और यहाँ पर देखो ये इसका अगर ब्रेकआउट होता है, अगर जैसे मान लीजिए इस तरीके से जो ये मूवमेंट करेगा ऊपर, तो ये लेवल तीन लेवल दिखाता चला जाएगा। और अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता तो आप खुश मत होना, क्योंकि उसके ऊपर भी एक यहाँ पर येलो कलर का आपको एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका लेवल क्या होगा, यहाँ पर मैं लेवल इसका बता देता हूँ। तो आप देखोगे तो इसका लेवल होना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर हम इसको मेजर करते हैं तो हम देख सकते हैं कि लगभग 38,800 के आसपास, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। स्टैंड लाइन को अगर ब्रेक करते हैं तो रेजिस्टेंस यहाँ पर मिलेगा और मार्केट यहाँ से भी फेक आउट करके नीचे आ सकती है। तो ये अपडेट जो है ये आज की ही नहीं है, ये दो तीन दिन मार्केट कुछ इसी तरह से रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को, वीडियो को देखो एक बार, बना समझ में आए दूसरी बार देख लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश किया करो हमारे वीडियोज़ को, हमारे चैनल को। और जो लोग नए हैं चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि लगातार ऐसा ऐसा यूनिक कंटेंट देता हूं जो आपको जल्दी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि यहां पर मेरी जो नियत होती है वो आपको ऑनेस्ट तरीके से सिखाने की होती है, कुछ छुपाने की नहीं होती है। कुछ लोगों को सिखाना तो आता है लेकिन वो पूरी तरीके से सिखाना नहीं चाहते हैं। उनका मानना ऐसा होता है कि अगर सब कुछ सिखा दे तो मेरी ज़रूरत क्या होगी, लेकिन मेरा मानना कुछ ऐसा नहीं है। आज मैं आपको सिखाऊंगा तो कल आप किसी को सिखाओगे, यही चेन होती है दुनिया में जो आगे बढ़ती चली जाती है और लोग समझते चले जाते हैं। तो चलो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आप बड़ा प्यार दोगे इस वीडियो को, यहीं पर वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को और नेक्स्ट अपडेट मिलने की कोशिश करता हूँ किसी यूनिक कॉन्टेंट के साथ। फिर ये बिटकॉइन के प्राइस की छोटी सी अपडेट थी, देख लेना। जय हिंद, जय भारत।